हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम अवश्य जाएंगे। नहीं नहीं मन्नू जी, अगर नाखों को पता चल गया तो? राजी, हमने जिसे अपना भाई बनाया उसके साथ साथ महाराज हमारे सुहाग वो भी संकट में है। महारानी साहब, मोती बाई जी पर्दे के पीछे अभी भी खड़ी है। नहीं, वो हमारे कान की बाली गिर गई थी। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? ये हमारे मन्नू जी का, अरे नहीं नहीं, महारानी का आदेश है। देखिए, अगर आपने हमें अंदर नहीं आने दिया तो हम मलिका आलिया के बाबा साहेब को बुला लेंगे, फिर तो आपको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। मुझे क्षमा करो महाराज। अब क्षमा मांग रहा है कायर? पहले तो बड़े बड़े धर्म और राजपूतों की वजह से बातें कर रहा था, अब मौत को सामने देखकर प्राणों की भीख मांग रहा है। ध्वज युद्ध छल से नहीं बल से जीता जाता है। I'm sure he'll be successful. आदरणीय झांसी में समर सिंह आपका शत्रु नहीं, शुभचिंतक है। और आपके सामने पड़ा यह घायल समर सिंह के छदम वेश में फिरंगियों का घृणित मोहरा है। आपका और झांसी का शुभचिंतक। एक सेवक। थोड़ी सी
सो हमारा प्लान फेल हो गया। गो जाओ। मनु आपको अंदर नहीं आने दे रही जी। हम चाहते थे कि वो वक्त पर तैयार हो जाए ताकि सारी रस्में बिना किसी दिक्कत के हो सके, इसीलिए साथ रहना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया। मनु, मनु दरवाजा खोलो बेटे। मनु, मनु दरवाजा खोलो। मल्लिका साहिबा से कह दो कि उनके बाबा उनसे बात करना चाहते हैं। मनु दीदी अभी किसी से बात नहीं करेगी, उन्होंने मौन व्रत रखा है। उसका मौन व्रत है, मौन व्रत में बोला नहीं जाता है। परंतु मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप हमारी मनु का इतना ध्यान रख रही हैं। बस अभी आ जाएगी, आइए। बंदी बनाओ शेर, साक्षर, यही हमें असली षड्यंत्रकारी तक पहुंचाएगा। कॉस्ट योर मैजेस्टी, आप इसे हमारे वाला कर दीजिए। हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रियल क्रिमिनल को गेट डाउन योर मैजेस्टी। ये क्या हो रहा है? आपके इतने सैनिक होते हुए भी इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? You're right, Your Majesty. हम इसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। We cannot risk another attack on your life. धन्यवाद मिस्टर फ्रेजर। आज आपने हमारी जान बचाकर अपने निष्ठावान होने का परिचय दे दिया। Sergeants, take action immediately. चार तरफ आदमी को दरार दो। समर सिंह बचकर नहीं जाना चाहिए। सुनो, इधर आ, ये लो और हमें ये बताओ कि मल्लिका साहिबा अंदर है या नहीं। ये लो और अब बताओ। जिसमें हमने जख्मी समर सिंह को लाकर डाला था। ज्यादा दूर नहीं हो सकता है,
जाओ ढूंढो, जाओ जाओ चारों तरफ सर्च करो उसकी। समर सिंह बच कर नहीं जाना चाहिए। सर, मोजी भाई ने मैसेज भिजवाया है, मणिकर्णिका दुर्गापाड़ा में नहीं है। What? Yes, sir. She told her that she will definitely help Samar Singh. Excellent. अगर ये बात सही है तो हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। What, sir? कुछ नहीं, चाचा का चप्पा चप्पा छान मारो, दुर्गा भाई बाड़े के हर रास्ते पर फेरे बैठा दो। हर एक एक आदमी की तलाशी लेनी चाहिए, वो दोनों बच के नहीं जाना चाहिए। Come on, let's go. Fine. Fine. क्षमा कीजिएगा राज, अनजाने में मुझसे बहुत पाप हो गए, परंतु किसी की दीक्षा के कारण मैं वचनबद्ध इसलिए इस समय प्रायश्चित कर रहा हूं। कमीज राजपूत हूं राजा, किसी को वचन दिया प्राण चले जाएंगे परंतु वचन नहीं तोड़ूंगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने आज तक आपको कभी इतना चिंतित नहीं देखा। रघुनाथ बात चिंता की है, एक तो इस पत्र ने हमें उलझन में डाल दिया, दूसरा समर सिंह का व्यवहार अचंभित कर देने वाला था। न जाने उसने किसे वचन दिया था जो वो मुझ पर एक भी बार वार नहीं कर रहा था। उसने मणिकर्णिका के काफिले पर हमले को अपनी भूल बताया और दासी को छुड़ाना अपना धर्म। वो ऐसा क्यों कर रहे महाराज? इसका उत्तर तो केवल समर सिंह ही दे सकता है, परंतु समस्या यह है कि उसे किसी ने देखा नहीं, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकता। संभवतः महारानी जी ने उसे देखा और वह उसे पहचान भी नहीं। तुम ठीक है, देवक पूजा है तो हम वहीं जा रहे हैं। यदि अवसर मिला तो मणिकर्णिका से पूछेंगे। Come on, let's go. That? Did someone hear something this time? पूरा यकीन हो गया है कि मणिकर्णिका अंदर नहीं है। काश काश दरवाजा खुल जाए तो मुझे किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा और सबको अपने आप ही पता लग जाएगा। हे देवा, ये अब तक बाहर ही है। मोतीबाई जी, क्या हुआ, अभी तक द्वार नहीं खुला? जी, हमें भी इसी बात की फिक्र है।
खुदा ना खास्ता कहीं पिछली बार की तरह। हे देवा, मनु दरवाजा खोलो बेटे। जी देवा। बार खोलो मनु। काका, मनु जी की पूजा कर रही है। करने दो, तुम द्वार तो खोलो बेटे। जल्दी से किसी को पूछा था मैं बिठा दो। जी चाची, द्वार खोलो। आप पर भी खूब रंग चढ़ा है। चरण छू रहा। ऐसा मत कीजिए, आप हमारे भाई समान हैं। और आप मेरे लिए एक देवी समान। आपने मेरी जान बचाकर जो उपकार किया। हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया है समर भाव। हमने जो कुछ भी किया केवल अपनी धरती माँ के लिए किया है। आपकी इन्हीं भावनाओं ने समर सिंह के अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। आपने इतना बड़ा जोखिम केवल मेरे लिए उठाया। आप नहीं जानते समर भाव, इन धूर्त फिरंगियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि यदि हम सही समय पर नहीं पहुंचते तो हम अपने पति धर्म से तो वंचित हो ही जाते, साथ ही अपने भाव को भी खो देते। धन्य हो बहन, परंतु विडंबना यही कि स्वयं को छिपाकर ऐसे अविस्मरणीय काम करने के बाद भी उसे इतिहास की लेखनी में भूल जाते हैं। दुर्गा बाईवाड़े में अवश्य आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए समर भाव, हम अवश्य पहुंच जाएंगे। सबकी तलाशी लो। अब सब लोग अपने अपने चेहरे दिखाएंगे।